जिस तरह बिहार की सियासत में नीतीश कुमार अनसुलझी पहेली बन चुके हैं, उसी तरह देश की राजनीति में भी बीजेपी कुछ उसी तरह की पहेली बनती जा रही है। एक दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दिया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ललन सिंह को अपने मुंगेर जहां से वो सांसद हैं लोकसभा की तैयारियां करनी है और इस समय इसलिए उनका वहां पर रहना जरूरी है, इसलिए वो पार्टी का काम नहीं देख पाते, बशर्ते अब वो अपनी कमान जो है नीतीश कुमार को सौंप रहे हैं। ये तो रही एक बात, लेकिन इसी सब के बीच में टीएमसी की ममता बनर्जी की पार्टी, उसने एक बयान दिया है कि हम जो है लेफ्ट को कोई कुछ मानते ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट है ही नहीं और इनकी औकात नहीं है कि टीएमसी के लीडरों के साथ बैठे। ये एक बड़ा बयान यहां पर टीएमसी की तरफ से आया गया है। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जब भी मीटिंग होगी इन लेफ्ट को हम शामिल नहीं करेंगे। अब एक तरफ तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी अलग राय अपना ली है, उन्होंने एक दिन पहले जब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कामों का तो बखान करती है लेकिन हमारे कामों का बखान नहीं करती। दरअसल इसकी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी 2014 में इलेक्शन जीती और उससे ज्यादा तादाद सीटें 2019 में आई। अब अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव है, देश भर की राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं कि किसी भी तरह इस बीजेपी के विजयी रथ को रोका जाए। इसके लिए सबसे पहला प्रयास किया था तेलंगाना के सीएम केसीआर ने। केसीआर जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भरसक प्रयास किया कि एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए और थर्ड फ्रंट के जरिए पूरे देश के तमाम अलग अलग पार्टियों को एकजुट किया जाए, एक बैनर के तले इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। इसके बाद में नीतीश कुमार बिहार के सीएम, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और बखूबी उठाया। महाजुटान की बैठक में उन्होंने पटना में पूरे देश भर के राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं को पटना एयरपोर्ट में उतार लिया। उसके बाद में वो बैठक हुई, बैठक के बाद में नतीजे सबके सामने थे, गर्मजोशी से सब मुलाकातें हुई, वो तस्वीरें बीजेपी को भी बेचैन कर रही थी। लेकिन अब उस जुटान बैठक के बाद में 3 और 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम क्या है, अब धीमे धीमे करके इन सभी पार्टी के नेताओं के अलग अलग विचार अलग अलग राय सामने आने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, भापते हैं, मौके की नजाकत को लेकर पलटा भी बहुत जल्दी मारते हैं। आपने देखा होगा जब 20 साल की राजनीति में नीतीश कुमार का अब तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। खुद अपनी शर्त से वो एनडीए में जाते हैं, अपनी शर्त से वो राजद में सरकार बनाते हैं, उनको उनकी सीटें भी कम होती हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि नीतीश कुमार को सीट से हटाया जा सके। ये उनकी एक ऐसी छवि कहिए या उनकी राजनीति कहिए, इसका कोई इलाज अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा। बीजेपी के खुद जो आर्मी इतनी बड़ी पार्टी है वो भी अभी इस चीज का कोई भी इलाज ढूंढ नहीं पा रही। इसके उलट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का ये कहना कि लेफ्ट की औकात नहीं है कि हमारे लीडर के साथ बैठे, तो अब एक बात ये फिर सामने आ चुकी कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं और क्या अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार असमंजस में बना हुआ है, जबकि अब चुनाव के बहुत दिन नहीं रह गए। इस मुद्दे को सीएम नीतीश कुमार ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग करने में हिचकिचा रही है। उधर टीएमसी ने भी कहा कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जो भी फैसला होगा वो ममता बनर्जी का होगा। अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी आफत ये है कि 3 राज्यों में जो चुनावी हार उनको मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम अलग अलग स्टेटों में जो सीट में ज्यादा सीटों लेने की उनकी क्षमता थी वो अब कहीं ना कहीं कब हुई है, खास करके हिंदी पट्टी वाले राज्यों में। लेकिन अब इसके बाद में क्या नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो भी मौके की नजाकत को देखकर एक बार फिर एनडीए के पाले में जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एक विंडो और एक दरवाजा दोनों खोल रखा है, यानी कि बीजेपी के पास जाने के लिए उनके पास बिहार में एक बड़ा बीजेपी के लीडर उनके संपर्क में है। अगर उनको ये लगता है कि कांग्रेस के साथ में या इंडिया गठबंधन के साथ में उनकी नैया पार नहीं होगी या फिर
जिस तरह से दिल्ली की बैठक में इधर सीएम नीतीश कुमार के जितने भी आइडिया उन्होंने दिए, तीन वहां पे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखे तो उनको नकार दिया गया। और इसके बाद में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी ने उनको राष्ट्रीय संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने का अनाउंस किया। इससे दो कदम आगे बढ़ती आम आदमी पार्टी और कहा जाता है कि इनको तो ये हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं, और पहला अगर हम ऐसा करते हैं तो देश को एक दलित प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ नीतीश कुमार के अरमानों को झटका लगता है। नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि क्या जिस तरह उन्होंने इस नींव की पूरी इमारत रखी थी, क्या अब वो बुनियाद हिल चुकी है? नीतीश कुमार की बातों को इंडिया गठबंधन के नेता नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस लगातार उनको नजरअंदाज कर रही है। इधर ललन सिंह से इस्तीफा लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस ही बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है एक कारण सुशील मोदी, जो कि बीजेपी के बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी बताया कि ललन सिंह का इस्तीफा इस कारण से हुआ क्योंकि लालू प्रसाद यादव से उनके करीबी संबंध थे और लगातार ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार को डर था कि कहीं लालू के साथ मिलकर के और नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री पद से उनको हाथ ना धोना पड़ जाए, तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। लेकिन इसके लिए भी उधर के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जब सीएम नीतीश कुमार खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जैसा एक सीनियर और राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी ऐसा ऐन वक्त पे आके क्यों करेंगे? हालांकि ये सवाल भी जायज है, लेकिन सुशील मोदी की बातों पर अगर गौर किया जाए तो ललन सिंह को के लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब संपर्क है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनकी लोकसभा सीट मुंगेर, जहां से वो खुद सांसद चुन के आते हैं, और वहां पर राजद के एक बड़े वोट बैंक का उनको सहारा लेना होता है, जिसके कारण वो लालू प्रसाद यादव के करीब है। लेकिन इसके अलावा अब नीतीश कुमार जब पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों पे ले ली है, उन्होंने कांग्रेस को भी इशारा कर दिया है कि अगर महागठबंधन में हमको उनको नजरअंदाज किया जाता है तो शायद वो महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के पास जाने पे बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और राजनीति में मैंने फिर कहा, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं पर मैं अंत करूंगा, कि आज भी बिहार की राजनीति में कितने बड़े बड़े सूरमा हो, लेकिन नीतीश कुमार की काट का इलाज अभी तक किसी के पास नहीं है, वो यहां पर एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं।